गाइस आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत सारी खाने पीने की चीजें बनती हुई देखी हैं, तो आज मैं फिर से आपको लेकर के आ चुका हूँ गांव में कोलू पे, जहां पर एकदम आपको पारंपरिक तरीके से देसी स्टाइल में गुड़ बनते हुए दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, हो सके तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी दिखाना। और हाँ, वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। ये देखो, यहाँ से हमारे गन्ने लगाए जा रहे हैं, ये इतना सारा ढेर है, इसको अभी बनाएंगे रस। तो यहाँ से भैया लगाते जा रहे हैं धीरे धीरे गन्ने, इस तरफ से खोई निकलती है, जो इसका मलबा होता है वो निकलती रहती है। और ये देखो भैया लगातार यहाँ पर मेहनत करते जा रहे हैं, और वो जो नाली जा रही है वहां से रस जा रहा है गुड़ बनने के लिए। तो गाइस ये देख लो, यहाँ से हमारा नाली में रस आता जा रहा है, यहाँ पर रस की नालियां बहती हैं, यहाँ पर स्टोर होता है, फिर उसके बाद में इस जगह जाता है, वहां से फाइनली फिर उस जगह पहुंचता है जहाँ पर गुड़ बनता है। तो गाइस हमारा सबसे पहला रस आया था इस जगह पर, यहाँ पर स्टोर कर रखा है, वहां से पहले कड़ा के अंदर ले रहे हैं, यहाँ पर इसको पकाया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा, फिर आगे गुड़ बनाने के लिए लेकर के जाएंगे। तो अभी जितनी भी गंदगी है यहाँ पर साफ की जाएगी। तो गाइस ये देख लो, सफाई हो रही है, जितना भी रस है इसको अच्छे से साफ कर देंगे, सारी गंदगी यहाँ पर डाल देंगे निकाल के। ये देख लो, तो ये छानने की जगह है जहाँ पर ये छनता है गुड़ एक तरह से, जितना भी रस है सारा साफ होता है। तो गाइस रस हमारा पक चुका है, और अब इसको दूसरे कड़ा में लेकर के जा रहे हैं। पहले कड़ा में इसको अच्छे से पका लिया, इसकी सफाई कर दी, दो लोग मिलके, दो लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको क्योंकि कड़ा इतने गर्म है, इसमें से भाप निकल रही है रस की, इसकी वजह से दोनों लोगों के चेहरा दिखाई नहीं दे रहे हैं अच्छे से। तो हमारा पहला कड़ा था जहाँ पर रस को पकाया गया, और वहां से अब लेकर के आ रहे हैं दूसरे कड़ा के अंदर। तो गाइस ये देख लो, इतने सारे झाग बन चुके हैं हमारे रस के अंदर। ये हमारा दूसरा कड़ा यहाँ पर रस को पलटा था, अभी ये खोल रहा है, और इसमें झाग देखो कितने सारे बन चुके हैं, पूरा कड़ा भर चुका है झाग में अच्छे से। तो गाइस दूसरे कड़ा में हमारा रस पक चुका है, अब इसको फाइनली तीसरे कड़ा में लेके जा रहा है, ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे हमारा गुड़ तैयार होगा। तो ये लगातार भैया रस पलटते जा रहे हैं, जितना भी रस है इसको फाइनल तीसरे स्टेप में लेके जाएंगे, तीसरा कड़ा जहाँ पे रस को पकाया जाएगा और गुड़ बनेगा। तो सबसे पहले हमारा रस आया था उस कुंड के अंदर, वहां से इस कड़ा में आया था पहले वाले में, पहले से दूसरे में लिया था, और दूसरे से फाइनल कड़ा के अंदर जा रहा है जहाँ पर ये गुड़ तैयार होगा। तो भाइयों ये देख लो, हमारे भाई साहब है जो कि आग जलाते हैं, कड़ा गर्म करते हैं, ये सारी खोई है जो कि यहाँ पे आग जलाने काम आती है। भैया यहाँ पे बैठ के इसको बढ़ाते जाते हैं अंदर, जो आग लगाने की जगह, ये देख लो, तो यहाँ से आग जलती है, सारे कड़ा गर्म होते हैं, फिर जाके हमारा ये गुड़ तैयार होता है। गाइस हमारा रस खोलना शुरू हो चुका है, ये फाइनल कड़ा है जिसके अंदर हमारा गुड़ तैयार हो रहा है, और अभी तेजी से काफी खोल रहा है। तो गाइस हमारा रस गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, रंग एकदम गुड़ का हो चुका है इसका, और लगातार भैया डोरा से इसको चलाते जा रहे हैं जिससे कि हमारा रस चिपके नहीं, कड़ा में लगे नहीं। तो ये हमारे भाई साहब है, सुनील नाम है इनका, ये यहाँ पर फाइनल स्टेप में गुड़ तैयार करते हैं। तो लगभग इसको अभी 10-15 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे जिससे कि गुड़ चिपके नहीं और शानदार बढ़िया से पक के हमारा गुड़ तैयार हो। तो गाइस हमारा गुड़ लगभग तैयार हो चुका है, चाशनी एकदम गाड़ी गाड़ी हो चुकी है, रस हमारा पूरा गुड़ में बदल चुका है, और अब भैया डोरा से इसको पलट रहे हैं। तो ये लो हमारा गुड़ अब तैयार होकर आ चुका है खाने के लिए, अभी इसको जमाएंगे 10-15 मिनट, फिर ये पैकिंग होने के बाद में मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार है। तो आप रंग देख सकते हो, कलर देख सकते हो, कितना शानदार है, और भाई इतनी सारी मेहनत, इतने सारे लोगों के काम के बाद में ये फाइनल गुड़ तैयार हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो गाइस ये जो हमारी चाशनी आई थी इसको जमाने के लिए, अभी इसको ठंडा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको चलाते जा रहे हैं, ये जो चाक है जिसके ऊपर जमाते हैं इसको बोलते हैं चाक, ये जो जगह है, तो अभी इसको लगातार चलाते जा रहे हैं भैया, और जमाने के लिए अच्छे से फैलाते जा रहे हैं और ठंडा करते जा रहे हैं। तो गाइस अगर आप इस तरह का गुड़ खाना चाहते हो, मूंगफली तिल वगैरह डलवा के, तो वो भी अपने यहाँ से ला सकते हो, यहाँ डलवा सकते हो, ताजा गुड़ मनवा सकते हो। तो हमारा गुड़ एकदम तैयार बनने के लिए, तो गाइस हमारा गुड़ जमना स्टार्ट हो चुका है, ये देखो अंकल जी अभी इसको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बनाएंगे लड्डू, जो गुड़ के आपको मार्केट में मिलते हैं उस तरीके से छोटे छोटे पीस बनाएंगे, अभी तो इसको बस इकट्ठा कर रहे हैं, साइडों से हटा रहे हैं। तो गाइस हमारा गुड़ जम चुका है, और अब इसको निकालने की तैयारी शुरू कर दी, तो कट्टे भी बिछा लिए हैं इस गुड़ को निकालने के लिए। ये देख लो एकदम ताजा ताजा बढ़िया गाढ़ा गुड़ हमारा आ चुका है, और इसके पीसेस करके अब देखो ये बर्फी के पीस होते हैं उस तरीके से यहाँ पर ताऊ हमारे निकालते जा रहे हैं बढ़िया गुड़ एकदम। तो ये देख लो इतना सारा गुड़ है यहाँ पर 80 किलो, और ये बड़े बड़े पीसेस जमाने लगे हैं, अभी हल्का सा जमने को बाकी है जो कि इस कट्टे पे जम जाएगा, इस पे अच्छे से बिछाते जाना, सारे पीस लगभग आधे घंटे में जम जाएंगे, तो आधा घंटा भी लगेगा, और बढ़िया से खाने लगे एकदम, खाने के लिए अभी भी ये जबरदस्त है, लेकिन मार्केट में जाने के लिए पैकिंग के लिए थोड़ा सा टाइट जरूरी होता है, तो वो करने के लिए अभी कट्टे पे इसको बिछाते जा रहे हैं, और यहाँ से काट काट के बर्फी जैसे पीस लगाते जा रहे हैं कट्टे के ऊपर। तो गाइस हमारा गुड़ जम चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको गुड़ बनने तो हुए दिखाई देगा, ये दो लोग मिलकर यहाँ पर गुड़ छुटाते जा रहे हैं, जो यहाँ पर स्टोर किया था जगह पे, वहां से जमा हुआ गुड़ हटाते जा रहे हैं, कट्टे के ऊपर इसको रखते जा रहे हैं, मार्केट में जाने के लिए पैक होने के लिए एकदम रेडी है, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और इसको पैक कर देंगे, फिर मार्केट में भेज देंगे इसे बिकने के लिए।